तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने YouTube चैनल के लिए Google AdSense अकाउंट आखिर कब बनाना चाहिए। क्या आपको अपने Google AdSense अकाउंट को अपने चैनल को मोनेटाइज होने के पहले बनाना चाहिए या अपने चैनल को मोनेटाइज होने के बाद में क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे डाउट हो रहे हैं, आज का ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा, आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर आपको सही तरीके से गूगल एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए, क्या सही तरीका है, पहले बनाएं या फिर बाद में बनाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर सके। तो सबसे पहले बात करें कि आखिर गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है, इसलिए क्यों बनाने की जरूरत होती है अगर आप एक यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, इसके बाद आप जो भी अर्निंग करते हैं वो सारा अर्निंग इकट्ठा होता है गूगल एडसेंस अकाउंट में। और यहाँ पर जब भी आपका $100 पूरा हो जाता है तो आप जो भी बैंक डिटेल्स में भरते हो ना, उसी बैंक खाते में आपका पैसा $100 पूरा होने के बाद में ट्रांसफर होता है। और 21 से 25 तारीख के बीच में जो भी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट से पैसा रिलीज होता है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है और आप बैंक से फिर पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको यूट्यूब चैनल के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्यों चाहिए, ताकि आप जो भी पैसे कमाते हो YouTube से वो आपका जमा हुआ Google AdSense अकाउंट में और वहीं से ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट में, YouTube से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए आपको सहारा चाहिए Google AdSense अकाउंट का। अब बात करें कि आखिर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट कब क्रिएट करना चाहिए, चैनल मोनेटाइज होने के पहले या फिर चैनल मोनेटाइज होने के बाद में। दोस्तों कई बार होता क्या है, बहुत लोग गलती करते हैं कि जब भी अपने लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं उसी टाइम में वो लोग अपने लिए एक गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, या फिर गलती से जब भी एडसेंस में जाते हैं और वहां पर क्लिक करते हैं तो उनसे गलती से एक बाय मिस्टेक जो है गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपने 6 महीना 8 महीना काम किया यूट्यूब पर, इसके बाद जब भी आपको चैनल मोनेटाइज होने के लिए क्राइटेरिया पूरा करता है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर, 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया, या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज 90 डेज के अंदर पूरा कर लिया, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो। इसके बाद जब आप जाते हो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, तो स्टेप 2 में आपसे पूछता है क्या आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है। अगर है तो आपको यस करना पड़ता है और उसका डिटेल फिल करना पड़ता है। अगर नहीं है तो आपको नो करके वहीं पर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है गूगल एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर काफी लोग फंस जाते हैं और उनको आता है स्टेप 2 का एरर। होता क्या है दोस्तों, जब भी आप अपना एक नया चैनल क्रिएट करते हैं यूट्यूब का, तो उसी समय बहुत लोग अपना एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं और 6 महीना 8 महीना काम करते करते वो वाला गूगल एडसेंस अकाउंट का डिटेल जो है वो भूल जाते हैं। और यहाँ पर जब मोनेटाइज कराने के लिए आते हैं तो स्टेप 2 में वो फिर से एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं यस करके। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 2 गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। और जीवन में ये रूल है कि जीवन में आप अपने लिए अपने नाम से सिर्फ एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 2 एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे तो मोनेटाइज होने में आपका दिक्कत होगा और मैक्सिमम सब होता है कि स्टेप 2 का प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है जो अभी आपको मैंने बताया है। अब आपको क्या करना है वो फ्रेश समझिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने लिए एक नया YouTube चैनल क्रिएट करना है और इस टाइम पे आपको कोई भी गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। और 6-8 महीने काम करने के बाद में जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा होता है मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पर आप जाते हो अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए और यहाँ पर स्टेप 2 में आपसे पूछता है क्या आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि पहले क्रिएट नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको नो करना है और नो करने के बाद में अगले स्टेप में आपको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहीं पर आपको अपने लिए एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। जैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लोगे, इसके बाद स्टेप 3 में जाता है और 1 से 2 दिनों के बाद में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टेप 2 का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो। अगर आप पहले ही अकाउंट बना लोगे गूगल एडसेंस का और यहाँ पर फिर से एक बार बनाओगे तो 2 बार हो गया और यहाँ पर आपको स्टेप 2 का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको पहले कभी भी गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाते हो उस समय आप क्रिएट मत कीजिए। जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा होता है मोनेटाइजेशन का, इसी समय आपको अपने लिए एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है। और वैसे भी दोस्तों होता क्या है कि अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टेप 2 में अपने लिए एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना ही है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसी टाइम पे गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने चैनल को मोनेटाइज कराइए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आखिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट आखिर कब क्रिएट करना है, क्या सही तरीका है। सिंपल सा तरीका है, आपको शुरुआत में एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने जाओगे उसी टाइम पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है।
आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।